काबिल बनो, कामयाबी झक मार कर पीछे भागेगी। 2009 में आई मूवी थ्री इडियट्स का डायलॉग आज के यूथ का फ्यूचर संवारने के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। कुछ कर दिखाने की चाह रखने वाले यूथ बस सोच लेते हैं कि उन्हें ये मान बनना है, लेकिन उसके लिए वे किस हद तक तैयार है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। इतिहास रचने के लिए डिग्रियों की नहीं मेहनत, लगन और जिद की जरूरत होती है। ये सिद्ध कर दिया श्री निवास रामानुजन ई यंगर ने। जी हां, हम बात कर रहे हैं मान गणितज्ञ श्री रामानुजन जी की। और प्रारंभ में आज विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार को। कौन थे रामानुजन, कैसे बने इंटर में अनुत्तीर्ण होने के बाद भी एक महान गणितज्ञ? जहां गणित के नाम से ही डर लगता है, उस स्थिति में पूरे विश्व में एक बालक बड़े से बड़े अध्यापक को चौंका देता था। 5 विषयों में अनुत्तीर्ण होने के बाद भी कैसे बजा उनके नाम का डंका, ये सब साझा करना चाहूंगा आज आपके साथ। तो आइए बात करते हैं श्री रामानुजन के विषय में। श्री निवास रामानुजन ई यंगर 22 दिसंबर 1887 को जन्मे, एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। इन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के 3,884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीज गणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहे हैं। यद्यपि इनकी कुछ खोजों को गणित मुख्य धारा में अब तक नहीं अपनाया गया है, इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई है। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड नाम के गांव में हुआ था। वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी माता का नाम कोमल ताम्बल और इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। इनका बचपन कुंभकोणम में बीता था, जो आज अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। ये 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। जब इतनी बड़ी आयु तक जब रामानुजन ने बोलना प्रारंभ नहीं किया, तो सबको चिंता हुई कि कहीं ये गूंगे तो नहीं है। बाद के वर्षों में जब उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया, तो भी पारंपरिक शिक्षा में इनका कभी भी मन नहीं लगा। रामानुजन ने 10 वर्षों की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल पहुंचे। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। उनके प्रश्न अध्यापकों को कभी कभी बहुत अटपटे लगते थे, जैसे कि संसार में पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी होती है। रामानुजन का व्यवहार बड़ा ही मधुर था। इनका सामान्य से कुछ अधिक स्थूल शरीर और जिज्ञासा से चमकती आंखें इन्हें एक अलग ही पहचान देती थी। इनके सहपाठियों के अनुसार इनका व्यवहार इतना सौम्य था कि कोई इनसे नाराज हो ही नहीं सकता था। विद्यालय में इनकी प्रतिभा ने दूसरे विद्यार्थियों और शिक्षकों पर छाप छोड़ना आरंभ कर दिया। इन्होंने स्कूल के समय में ही कॉलेज के स्तर की गणित को पढ़ लिया था। एक बार इनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने यह भी कहा था कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के मापदंड रामानुजन के लिए लागू नहीं होते हैं। हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्हें गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के लिए
सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और आगे कॉलेज की शिक्षा के लिए प्रवेश भी मिला। आगे एक परेशानी आई, रामानुजन का गणित के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया था कि वे दूसरे विषयों पर ध्यान ही नहीं देते थे, यहां तक कि वे इतिहास जीव विज्ञान की कक्षाओं में भी गणित के प्रश्नों को हल किया करते थे। नतीजा यह हुआ कि 11वीं कक्षा की परीक्षा में वे गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए और परिणाम स्वरूप उनको छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई। एक तो घर की आर्थिक स्थिति खराब और ऊपर से छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही थी, रामानुजन के लिए बड़ा ही कठिन समय था। घर की स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने गणित के कुछ ट्यूशन तथा खाते बही का काम भी किया। कुछ समय बाद 1907 में रामानुजन ने फिर से 12वीं की कक्षा प्राइवेट परीक्षा दी और फिर अनुत्तीर्ण हो गए और इसी के साथ इनकी पारंपरिक शिक्षा की इतिश्री हो गई। विद्यालय छोड़ने के बाद 5 वर्षों का जो समय था इनके लिए बहुत हताशा भरा था। भारत इस समय परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास ना कोई नौकरी थी और ना ही किसी संस्थान अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति एकाग श्रद्धा उन्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित किया करती थी। नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी, उनके प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें कहीं रुकने नहीं दिया और वे इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी गणित के अपने शोध को चलाते रहे। इस समय रामानुजन को ट्यूशन से कुल 5 रुपए मासिक मिलते थे और इसी में गुजारा होता था। रामानुजन का यह जीवन बहुत कष्ट और दुख से भरा हुआ था। इन्हें हमेशा अपने भरण पोषण के लिए, अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था और अनेक लोगों से असफल याचना भी सहनी पड़ती थी। वर्ष 1908 में इनके माता पिता ने इनका विवाह जानकी नामक कन्या से कर दिया। विवाह हो जाने के बाद अब इनके लिए सब कुछ भूल कर गणित में डूबना संभव नहीं था, अतः वे नौकरी की तलाश में मद्रास गए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिल पाई और उनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह गिर गया। अब डॉक्टर की सलाह पर इन्हें वापस अपने घर कुंभकोणम लौटना पड़ा। बीमारी से ठीक होने के बाद वे वापस मद्रास आए और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये जब भी किसी से मिलते थे तो उसे अपना एक रजिस्टर दिखाते थे। इस रजिस्टर में इनके द्वारा गणित में किए गए सारे कार्य होते थे। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। यहां पर श्री अय्यर ने श्री रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और जिला अधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध भी कर दिया। इस व्रति पर रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण, और यह शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित भी हुआ। यहां 1 साल पूरा होने के पर 1 साल पूरा होने पर इन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की। सौभाग्य से इस नौकरी में काम का बोझ कुछ ज्यादा नहीं था और इन्हें यहां अपने गणित के लिए पर्याप्त समय मिलता था। यहां पर रामानुजन रात भर जागकर नए नए गणित के सूत्रों को लिखा करते थे और फिर थोड़ी देर तक आराम करके फिर दफ्तर के लिए निकल जाते थे। रामानुजन गणित के शोधों को स्लेट पर लिखते थे और बाद में उसे एक रजिस्टर में लिख लेते थे। रात को रामानुजन के स्लेट और खड़िए की आवाज के कारण परिवार के अन्य सदस्यों की नींद चौपट हो जाती थी। इस समय भारतीय और पश्चिमी रहन सहन में एक बड़ी दूरी थी और इसी वजह से भारतीयों को अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करने में काफी संकोच होता था। इधर स्थिति कुछ ऐसी थी कि बिना किसी अंग्रेज गणितज्ञ की सहायता के लिए शोध कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इस समय रामानुजन के पुराने शुभचिंतक इनके काम आए और इन लोगों ने रामानुजन द्वारा किए गए कार्यों को लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा।
पर कहते हैं कि समस्याएं आसानी से खत्म नहीं होती। ऐसा ही इनके साथ हुआ और यहां पर इन्हें कुछ विशेष सहायता नहीं मिली, लेकिन एक लाभ यह हुआ कि लोग रामानुजन को थोड़ा बहुत जानने लगे थे। इसी समय रामानुजन ने अपनी संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर सेसु अय्यर को दिखाए, तो उनका ध्यान लंदन के ही प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे और अपने सख्त स्वभाव और अनुशासन प्रियता के कारण जाने जाते थे। प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्य को पढ़ने के बाद रामानुजन ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर खोज निकाला है। अब रामानुजन का प्रोफेसर हार्डी से पत्र व्यवहार आरंभ हुआ। अब यहां से रामानुजन के जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ जिसमें प्रोफेसर हार्डी की बहुत बड़ी भूमिका थी। दूसरे शब्द में कहा जाए तो जिस तरह से एक जौहरी हीरे को पहचान करता है और उसे तराश कर चमका देता है, रामानुजन के जीवन में वैसा ही कुछ प्रोफेसर हार्डी का है। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुजन की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक रहे। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की यह मित्रता दोनों ही के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरक का काम किया। प्रोफेसर हार्डी ने उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आता था। अधिकांश गणितज्ञों को उन्होंने 100 में से 35 अंक दिए और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 60 अंक दिए, लेकिन उन्होंने रामानुजन को 100 में से पूरे 100 अंक दिए। आरंभ में रामानुजन ने जब अपने किए गए शोध कार्य को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा था तो पहले उन्हें भी पूरी समझ में नहीं आया। जब उन्होंने अपने मित्र गणितज्ञों से सलाह ली तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व है और इनके द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझने और उसमें आगे शोध के लिए उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। अतः उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया। कुछ व्यक्तिगत कारणों और धन की कमी के कारण रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के कैम्ब्रिज के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। प्रोफेसर हार्डी को इससे निराशा हुई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से रामानुजन को वहां बुलाने का निश्चय किया। इसी समय रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय में शोधवृत्ति मिल गई थी। कहते हैं कि जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो प्रकृति आपका साथ देती है। ऐसा ही हुआ श्री रामानुजन के साथ। शोधवृत्ति मिलने के बाद उनका जीवन कुछ सरल हो गया और उनको शोध कार्य के लिए पूरा समय भी मिलने लगा था। इसी बीच एक लंबे पत्र व्यवहार के बाद धीरे धीरे प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए सहमत कर लिया था। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से रामानुजन को कैम्ब्रिज जाने के लिए आर्थिक सहायता भी मिल गई। रामानुजन ने इंग्लैंड जाने के पहले गणित के करीब 3000 से भी अधिक नए सूत्रों का अपनी नोटबुक में लिखा। रामानुजन ने लंदन की धरती पर कदम रखा। वहां प्रोफेसर हार्डी ने उनके लिए पहले से व्यवस्था की हुई थी, इसलिए उन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। इंग्लैंड में रामानुजन को बस थोड़ी परेशानी थी और इसका कारण था उनका शर्मिला शांत स्वभाव और शुद्ध सात्विक जीवनचर्या। अपने पूरे इंग्लैंड प्रवास में वे अधिकांशतः अपने भोजन स्वयं बनाते थे। इंग्लैंड की इस यात्रा में उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। अपने एक विशेष शोध के कारण इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि भी मिली, लेकिन वहां की जलवायु और रहन सहन की शैली उनके लिए अधिक अनुकूल नहीं थी और उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। डॉक्टरों ने इसे क्षय रोग बताया। उस समय क्षय रोग की कोई दवा नहीं होती थी और रोगी को सैनिटोरियम में रहना पड़ता था। रामानुजन को भी कुछ दिन वहां पर रहना पड़ा। वहां इस समय भी ये गणित के सूत्रों में नई नई कल्पनाएं किया करते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व रहे श्री रामानुजन। इसके बाद महा रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था, तब एक ऐसे व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में
इनसे कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ था और ना ही हुआ है। पूरे भारत में उनके शुभचिंतकों ने उत्सव मनाया और अलग अलग सभाएं की। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद ये ट्रिनिटी कॉलेज के फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय बने। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छी जगह पर जा रहा है, लेकिन रामानुजन का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और अंत में डॉक्टर की सलाह पर उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। भारत आने पर इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई और रामानुजन अध्यापन और शोध कार्य में उन्हें रम गए। भारत लौटने पर भी स्वास्थ्य ने इनका साथ नहीं दिया और हालत गंभीर होते जा रहे थे। इनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। इस बीमारी की दशा में भी इन्होंने मॉक थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। इनका गिरता स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का विषय बन गया और यहां तक कि अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। अंत में रामानुजन के विदा की घड़ी आ ही गई, 26 अप्रैल 1920 के प्रातःकाल में वे अचेत हो गए और दोपहर होते होते उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस समय रामानुजन की आयु मात्र 33 वर्ष थी। इनका ऐसे में निधन गणित जगत के लिए अपूर्णीय क्षति था। पूरे देश विदेश में जिसने भी रामानुजन की मृत्यु का समाचार सुना वही स्तब्ध हो गया। ऐसे महान गणितज्ञ श्री रामानुजन के जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाना स्वयं में गौरवान्वित करने वाला है। आज के युवाओं को उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, स्वामी विवेकानंद जी के विचार है कि एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दो। ऐसा ही हमें देखने मिलता है श्री रामानुजन जी के व्यक्तित्व से। आज हर युवा को अपने आदर्श के रूप में श्री रामानुजन को देखना होगा। कितनी परेशानियां आई, कितने कष्ट आए, कॉलेज के लिए फीस नहीं थी, विदेश जाने के लिए पैसे नहीं थे, अच्छा भोजन नहीं था, पर कहते हैं कि जिसके सामने लक्ष्य होता है उसे बीच में आने वाली परेशानियां ही दिखाई नहीं देती। मैं नतमस्तक हूं आपके व्यक्तित्व पर, आपके इस बहुमूल्य कार्य के लिए राष्ट्र आपका सदैव ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।